एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। बिहार टीचर ट्रांसफर, बिहार सरकार ने जारी की नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की पूरी टाइमलाइन। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि शिक्षा विभाग संबंधी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार सरकार ने जारी की नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण की पूरी टाइमलाइन। इस तारीख से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, इस माह तक पूरी हो जाएगी शिक्षकों को स्थानांतरण की। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला एवं जिला में ही स्थानांतरण के लिए 1 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी कोटि के शिक्षक स्थानांतरण के लिए बिहार सरकार के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 1 मई से कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालय में चयन के लिए 4 ऑप्शन चुनने की आज़ादी दी है। इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक जगह शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 1 मई 2022 से 30 मई 2022 तक लिए जाएंगे। आवेदन की स्क्रूटनी और आवेदन में हुए त्रुटि को सुधारने के लिए शिक्षकों को जून महीने का समय दिया जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में ही फाइनल सूची NIC के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जुलाई 2022 में नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालय का पत्र मिल जाएगा। जुलाई में ही शिक्षकों को अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। बिहार सरकार ने इस बारे में पहले भी बताया था कि शिक्षक स्थानांतरण की सारी कागजी कार्रवाई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद NIC के वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। बिहार टीचर ट्रांसफर सॉफ्टवेयर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार शिक्षा बोर्ड के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रोन्नति, बिहार नियोजित शिक्षक स्थानांतरण, मेरिट सूची और बिहार के नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र आदि जारी करने के कार्य को आसान और गति देने के लिए बनाया गया है। हालांकि यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से बिहार शिक्षा स्थानांतरण नीति 2022 के तहत ही बनाया गया है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से शिक्षक उपरोक्त सुविधाओं का भी लाभ उठा पाएंगे। मई के पहले सप्ताह में शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार नियोजित शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया अब मई 2022 के पहले सप्ताह से शुरू हो सकेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इसके पहले सभी जिले के NIC वेबसाइट पर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अप्लाई लिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई के दौरान शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए 4 विकल्प चुनने होंगे। उन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प को फाइनल करते हुए स्थानांतरण का लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।